आप देख रहे हैं साधना न्यूज, मैं हूं आपके साथ निशांत सरदाना। दाऊ कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में डायबिटीज के मरीजों के लिए इलाज के लिए इंडिक्रियानोलॉजी विभाग खुलेगा। इस विभाग में बच्चों के अलावा सभी उम्र के डायबिटीज मरीजों का इलाज किया जाएगा और डीकेएस में कुछ महीनों में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में मरीजों का इलाज शुरू हो जाएगा। यहाँ किडनी, न्यूरो सर्जरी, पीडियाट्रिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी के साथ साथ कार्डियोलॉजी के अलावा यूरोलॉजी विभाग भी खोला जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री अजय चंद्राकर ने अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर पुनीत गुप्ता को इंडिक्रियानोलॉजी विभाग खोलने का प्रस्ताव बनाने को कहा था और अम्बेडकर अस्पताल में पीडियाट्रिक विभाग के एक डॉक्टर ने इंडिक्रियानोलॉजी में डीएम की डिग्री ली है। वर्तमान में वो बच्चों का इलाज कर रहे हैं और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए आपको सीधा लिए चलते हैं रायपुर स्टूडियो, जहां हमारे स्टेट हेड आरके गांधी जी तमाम मेहमानों के साथ शामिल। ध्यान में रखते हुए हमने एक थिएटर सिस्टम ऑर्गेनाइज किया है जिसमें मरीज के रिश्तेदारों को फ्री में, कोशिश की जाएगी फ्री में पिक्चर दिखाई जाए, जिससे मरीज के रिश्तेदारों को कम से कम जो हॉस्पिटल में दिन भर रहते हैं क्या करें क्या ना करें समझ में नहीं आता, हॉस्पिटल छोड़ के जाने की इच्छा नहीं होती है, जिससे कम से कम कुछ इंटरटेनमेंट उनको मिल सके। इंटरटेनमेंट के साथ साथ में, क्योंकि मुझे वो मूवी याद आ रही है मुन्ना भाई एमबीबीएस, जिसमें पेशेंट के साथ में किस तरह से बिहेव किया जाए और रोग किस तरह से ठीक किया जा सकता है, क्योर किया जा सकता है, इसमें काफी कुछ किया गया है। क्या एक रिसर्च विंग भी होगा जिस तरह से इसमें काफी कुछ काम किया जा सके? हाँ, आपने बिल्कुल सही बात बोली है। हमने एक वर्चुअल हॉस्पिटल बनाया है जिसका नाम हमने दिया वर्चुअल मेडिकल एंड एजुकेशन ट्रेनिंग सेंटर, जिसमें कम से कम 17 से 18 बॉडीज हैं जो एकदम ह्यूमन बीइंग के समान रिएक्ट करती हैं। ऐसी व्यवस्था पूरे इंडिया में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो नहीं है। इसमें मरीजों पे जो हम लोग ट्रेनिंग देते हैं उसमें ना देके अब हम वर्चुअल बॉडीज में ट्रेनिंग देंगे, जिसमें मेरे को लगता है स्कूल के बच्चों से लेके पैरामेडिकल से लेके डॉक्टरों को आराम मिलेगा। और एक वे टू हेवन करके बातें आ रही है कि स्वर्ग का रास्ता, ये क्या है, ये किस तरह कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आजकल ये काफी सुर्खियों में बना हुआ है। एक्चुअली क्या है, आप कभी भी देखते होंगे जब किसी की डेथ होती है तो हमको एम्बुलेंस की या गाड़ी की व्यवस्था करने में कुछ टाइम लगता है, तो आप देखते होंगे कभी भी हॉस्पिटल के सामने कोई ना कोई बॉडी पड़ी रहती है जो एक बड़ा अजीब सा लगता है, जो भी वहां से निकलता है उसको बहुत दुख लगता है, बहुत अजीब सा महसूस होता है। उसको ध्यान में रखते हुए हमने एक रास्ता बनाया है, एक कमरा बनाया, पूरा सेंट्रलाइज एसी है जिसमें एक आकाश नुमा रूप दिया गया है, उसको वहां से ही डेथ बॉडी निकलेगी। अगर किसी हॉस्पिटल में किसी की कैजुअलिटी हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो एक हमने स्ट्रेचर स्पेशली बनाया जिसको हमने ताबूत स्ट्रेचर का नाम दिया है। जब बॉडी उसमें से निकलेगी तो किसी को महसूस नहीं होगा कोई डेथ बॉडी वहां से जा रही है, और वो गेट वे टू हेवन से होती हुई एम्बुलेंस के थ्रू वो अपने को जहां लेके जाना है वो लेके जा सकते हैं। इसमें मैन पावर लगेगा या सब कुछ सेंट्रलाइज इक्विपमेंट के साथ रहेगा? ये सब मैन पावर की तो जरूरत पड़ती है, पर लेस मैन पावर से भी काम हमारा हो जाएगा। यहाँ पे ज्ञानेश्वर जी, एक बात मैं समझना चाहूंगा कि हमारे जेहन में जब भी किसी अच्छे हॉस्पिटल की कल्पना आती है तो एम्स दिल्ली का नाम आता है, सरकारी जो तमाम संसाधन है, जो संस्थान है। यहाँ पे अगर डीकेएस में इस तरह की अगर सुविधा रहेगी तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर एक बहुत लंबी छलांग छत्तीसगढ़ लगाता नजर आएगा। नहीं, बात निश्चित रूप से जिस ढंग से आपके द्वारा पहल किया जा रहा है, जिधर प्रयास किया जा रहा है बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए, जैसे ग्रामीण अंचल से लोग आते हैं और यहाँ पे शहर में उनको जानकारी के अभाव में इधर उधर भटकना पड़ता है जांच के लिए और डॉक्टरों के पास में दिखाने के लिए, जिसमें डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि उनका हर एक मार्किंग है, उनका एक ले है जाने के लिए मार्किंग है, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। और जो अंचल से, देहातों से, जो गांव से लोग आएंगे उनको इस टाइप सुविधा मिलेगी तो स्वाभाविक सी बात है उनके मन में एक बहुत अच्छी भावना आएगी सरकार के प्रति और स्वास्थ्य को लेकर के। और स्वास्थ्य को लेकर अच्छी भावना को अगर समझा जाए डॉक्टर साहब, क्योंकि भावना जो होती है वो काफी अहम होती है, एक आस्था, एक भावना, एक विश्वास, इसको आप किस तरह से कायम कर पाएंगे? देखिए, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि मरीजों को एवं मरीज के रिश्तेदारों को, खासतौर से मरीज के रिश्तेदारों की बात कर रहा हूँ मैं, कोई तकलीफ ना हो। इसलिए जो आईसीयू में मरीज हमारे भर्ती रहेंगे, कम से हमारे पास 127 आईसीयू बेड हैं जहां मरीज भर्ती रहेंगे, उनके रिश्तेदारों का क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके लिए हमने छत पे सेंट्रलाइज हॉल बनाया हुआ एसी युक्त है, जहां हम रिक्लाइनर सोफा दे रहे हैं, जहां मरीज के रिश्तेदार वहां आराम से आराम कर सकते हैं और इसमें कोई किसी की रूप का कोई चार्ज नहीं दिया जा रहा है। तो हमने ये भी ध्यान दिया कि मरीज के साथ साथ मरीज को रिश्तेदारों का कैसे ध्यान रखा जाए। इसमें एक चीज आपके साथ में, आपकी पर्सनैलिटी के साथ में हमेशा ऐड रही कि आपने कुछ ना कुछ इनोवेशन किया है, किडनी डायलिसिस जैकेट की बात अक्सर कही जाती है, कुछ इस तरह का और भी इक्विपमेंट है, क्योंकि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आपने रिसर्च पेपर को भी रखा है, अगर उसको समझा जाए, क्योंकि इनोवेशन होना बहुत जरूरी है, रिसर्च होना बहुत जरूरी है, तो इस हॉस्पिटल के जरिए क्या कुछ
करने की सोच आप रखते हैं? देखिए, हमने एक रिसर्च विंग बनाया है और हमको उम्मीद है कि हर साल हम कुछ ना कुछ डिवाइस पे इनोवेशन करेंगे, चाहे वो नेफोलॉजी हो, चाहे वो प्लास्टिक सर्जरी हो, चाहे पीडियाट्रिक सर्जरी हो, चाहे यूरोलॉजी हो, चाहे कार्डियोलॉजी हो। हमारी पूरा उम्मीद रहेगा कि हम कोई ना कोई रिसर्च इस हॉस्पिटल से बनाते रहें और डिवाइस डेवलप करते रहें। डिवाइस डेवलप करने के साथ में, क्योंकि उसको जिस तरह से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलानी है, क्योंकि रॉयल्टी की भी बात आ जाती है, उसका चयन एक बनाना भी अपने आप में कहीं ना कहीं उसको ले जाना, उसको बताना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, इस हॉस्पिटल में मतलब पूरे इंडिया में पहला गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा जहां दो चीजें लगाई जा रही हैं। हम एक निमोटिक सिस्टम बोलते हैं जिसमें मरीजों का ब्लड सैंपल, ब्लड जो आता है, ब्लड चढ़ाने के लिए जो ब्लड लगता है वो, एवं फाइलें, इनको हम एक निमोटिक सिस्टम के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं जिसमें मैन पावर की कमी आती है। नंबर टू, एक वेस्ट मैनेजमेंट और लेनिन मैनेजमेंट सिस्टम होता है। वेस्ट मैनेजमेंट मतलब शरीर हॉस्पिटल की जितनी भी गंदगी है वो एक डब्बे में हम भेज देंगे, वो एक जगह जाके इकट्ठा हो जाएगा, तो जो बंदे रहते हैं उनको उठा उठा के गंदगी को लेके एक जगह से दूसरी जगह घूमने की जरूरत नहीं है। लेनिन मतलब चद्दर, तकिए, कंबल, उसको भी एक डब्बे के अंदर रख के हम उसको निमोटिक सिस्टम में डाल देंगे, तो एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, वहां से जाके कलेक्शन होके क्लीनिंग होने के लिए चला जाएगा। तो ये पहला गवर्नमेंट हॉस्पिटल जहां ये निमोटिक सिस्टम भी लगाया जा रहा है। मतलब आपने वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर भी खासा काम किया है। अक्सर अस्पतालों पे जो सवाल उठते हैं वो इसी के लिए उठते हैं कि जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो बहुत प्रॉपर वे में नहीं होता, उसके गाइडलाइन भी होते हैं। इस गाइडलाइन को फॉलो करने के लिए जो ये सिस्टम है कितना माइलस्टोन साबित होगा? मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ, ये पहला गवर्नमेंट हॉस्पिटल जिसमें निमोटिक सिस्टम लगाया जा रहा है जिससे वेस्ट मैनेजमेंट, लेनिन मैनेजमेंट किया जा सकेगा। तो स्वच्छ भारत अभियान के तहत हो सकता है हमारा हॉस्पिटल आ जाए। स्वच्छ भारत अभियान के तहत भी आपने इसकी सोच को रखा है जो मोदी जी की सोच है। यस। और दूसरा चीज, हमने एक बहुत बड़ी चीज जो लगाई है वो है एलईडी लाइट्स। ये पहला गवर्नमेंट हॉस्पिटल इंडिया में जो फुल्ली एलईडी लाइट है लगी हुई है। लाइट्स हो गया, इसमें लाइट्स के अलावा साउंड भी है क्या? नहीं, साउंड तो नहीं है, म्यूजिक सिस्टम अलग से लगा हुआ है जो थिएटर में लगा हुआ है, बाकी कहीं नहीं लगा हुआ है। हमने लगाने की कोशिश की, हमने पीआईए सिस्टम लगाया है कि जहां कोई मरीजों को कोई तकलीफ होती है तो डॉक्टर अपने कमरे में बैठकर देख के उसको सिस्टर को इन्फॉर्म कर सकता है, अगर बाय द वे सिस्टर वहां पहुंच नहीं पाती है तो ये भी सिस्टम हो जाएगा। हॉस्पिटल का हमने उदाहरण देखा है कि वहां पे म्यूजिक सिस्टम भी लगा दिया जाता है, कुछ उस तरह के कभी बर्थडे भी मना दिया जाता है, कई सारी चीजें ऐसी आती है। और कई जगह तो ऐसा होता है कि साइलेंस जोन भी रखा जाता है कि नहीं वहां पे पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए, इस तरह की चीज होती है। तो आप इसमें क्या नया कुछ करने वाले? देखिए, आईसीयू और क्रिटिकल केयर जोन जो होता है हमेशा साइलेंट जोन होता है। ओपीडी एरिया में आप कुछ भी कर सकते हैं, बट क्रिटिकल जोन और आईसीयू एरिया में हमको ये सब चीजों को अवॉइड करना पड़ता है। हमने पूरी कोशिश की है। हमें आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि क्रिटिकल जोन 127 बेड का, जिसको हमने 7 सेक्टर में डिवाइड किया, पहला हॉस्पिटल इंडिया में जो क्रिटिकल जोन सिंगल फ्लोर में है। अभी सबसे बड़ा क्रिटिकल जोन 97 बेड का सारा हॉस्पिटल लखनऊ में है, उसके उससे बड़ा हमारा हॉस्पिटल में क्रिटिकल केयर जोन है। ये बहुत बड़ी बात होती है, इसमें मैन पावर, डॉक्टर्स की कमी आती है और एक ट्रीटमेंट एक ही लेवल पे हो जाता है पूरा। डीकेएस हॉस्पिटल की जो एक कल्पना रही इस राज निर्माण के पहले, ठीक है, उसके बाद में मंत्रालय गया, फिर उसको शिफ्ट किया गया, फिर इसमें जो एक पहल हो रही है राज्य सरकार की, वो निश्चित तौर पे यहाँ के जनभावनाओं को देखते हुए और एक माइलस्टोन बनाने के लिए हो रही है। इसमें अगर आपकी पहल को समझा जाए, जाना जाए, तो इसको आप किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं जो दाव कल्याण जी का रहा है इस प्रदेश के लिए? देखिए, मैं आपको सबसे पहले एक चीज बताना चाहूंगा, मीडिया भाइयों का इस प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा रोल रहा है, हमारे मंत्री जी का, हमारे विभाग के अधिकारियों का जो रोल रहा है बहुत बड़ा रोल रहा है। आज उन्हीं की बदौलत ये हॉस्पिटल ये रूप ले रहा है और हमें उम्मीद है कि उस रूप को हम आगे बढ़ाएंगे और नई नई टेक्नोलॉजी से यहाँ के मरीजों का इलाज करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर अमन सिंह जी की भी यह महत्वाकांक्षी योजना है और लगातार मुख्यमंत्री डॉक्टर अमन सिंह जी भी औचक निरीक्षण करते रहे इस हॉस्पिटल का, और उन्होंने भी कुछ कई सारी बातें कही होंगी, कई सारी टिप्स भी दी होंगी किस तरह से कुछ इसमें कुछ करने की जरूरत है। हाँ, उनका एक्सपीरियंस नो डाउट हमको काम आता है, और हम जब उनका इंस्पेक्शन हो रहा था तब उन्होंने कुछ हमको आइडियाज दिए थे जिसको हमने पूरे इम्प्लीमेंट किए हैं। कुछ ऐसा जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहे कि किस तरह का की बातचीत रही और किस तरह के कुछ चीजों का समावेश करने की बातचीत, उस पर एक चर्चा हो पाई? नहीं, जैसे उन्होंने हमसे पूछा, क्या हमने ये सबसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा मॉड्यूलर डायलिसिस सेटअप है 60 यूनिट्स का, ये मेरे ख्याल से इंडिया में 15-20 मशीनें लगती हैं, उससे ज्यादा नहीं लगती हैं। और ये मशीनें जो लगाई गई हैं वो एकदम इससे इतनी सोफिस्टिकेटेड लगाई गई है कि मरीजों को इलाज करने में आसानी होगा, ट्रीटमेंट बिल्कुल टू द पॉइंट होगा, जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल होता है उसके हिसाब से। तो सीएम साहब ने पूछा कि बहुत बड़ी बात है कि आपने छत्तीसगढ़ में 60 मशीन लगाई हैं, उसका उसके लिए उन्होंने हमको धन्यवाद दिया।
और दूसरी उन्होंने सीआरटी मशीन, जो 8 सीआरटी मशीन हमने लगाई है, कंटिन्यूस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी मशीन, जो स्पेशली जिन मरीजों का बीपी कम होता है, जिनके शरीर में इन्फेक्शन होता है, उनकी मशीनों के लिए ये मशीन लगा के डायलिसिस किया जाता है, जो 24 घंटे तक डायलिसिस चलता है, उसके लिए भी उन्होंने हमारे लिए अप्रिशिएट किया। तीसरा बहुत बड़ा सेटअप वन यूनिट का था, जिसको देख के वो बहुत खुश हुए। 20 बेड का वन यूनिट है, जो मॉड्यूलर वन यूनिट है, मेरे ख्याल से वर्ल्ड में 20 बेड का मॉड्यूलर वन यूनिट इस टाइप का नहीं है। इसमें मरीजों को उठाने के लिए एक रोबोट सिस्टम बना हुआ है, जिसे मरीज को उठा के वो लेके जाएगा, उसके शरीर को पूरा वॉश कराएगा, साफ करेगा, धुलाएगा, उसको लाके मरीज को बेड पर छोड़ देगा। नो डाउट मैन पावर की जरूरत पड़ती है, पर बिना टच किए हुए इन्फेक्शन से मरीज को बचाया जा सकता है और चोट से बचा सकता है। ये सब सिस्टम इस वन यूनिट में है। इतना बड़ा संसाधन खड़ा हो रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में अक्सर ये सवाल उठता है कि डॉक्टरों की कमी। संसाधन तो ठीक है, आप जो जुटा लेंगे, लेकिन उसको चलाना, उसको मैनेज करना, ये एक बहुत बड़ी बात रहती है। देखिए, चलाने के लिए हमारी सब टीम की ट्रेनिंग चालू हो चुकी है, 10 दिन हो गए ट्रेनिंग करते करते, और हमें पूरी उम्मीद है जब तक इनॉग्रेशन हुआ हमारी सब टीम परफेक्ट होगी। डॉक्टरों की कमी कैसे दूर करेंगे? हमारे पास डॉक्टर पर्याप्त हैं, और जो थोड़े बहुत डॉक्टर बचे हैं वो इनॉग्रेशन तक हम कर लेंगे कम्प्लीट। प्रदेश से आप डॉक्टर लेने की, बाहर से भी डॉक्टर आप बुलाएंगे? होता है, हमारे यहाँ सुपर स्पेशलिटी कोर्स रन हो नहीं रहा है, तो जो भी डॉक्टर आएंगे, कुछ डॉक्टर बाहर के, कुछ डॉक्टर यहाँ के, तो मांग कर चले 60-40 रेशियो में ही कम्युनिकेशन रहता है। 60% डॉक्टर यहाँ के रहते हैं, 40% डॉक्टर बाहर के रहते हैं। एक बात और समझना चाहूंगा, क्योंकि दर्शकों को भी वो जानना जरूरी है कि जब डीकेएस हॉस्पिटल पहुंचेंगे, क्योंकि जब हॉस्पिटल को देखेंगे आप, जैसे मैंने भी देखा तो मुझे लगा कि नहीं, यहाँ पर तो ये कोई प्राइवेट हॉस्पिटल डेवलप हो रहा है, और जब जैसे ही कोई कदम रखेगा तो उसे लगेगा ये तो प्राइवेट हॉस्पिटल, यहाँ जाना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत भारी भरकम खर्च हो सकता है। इसको किस तरह से एक, क्योंकि इसको बताना, और क्योंकि जब व्यक्ति पहुंचे तो उनको भी लगे कि नहीं, वो ऐसी जगह पहुंचे जहां उनका समुचित इलाज हो सकता है, ओपीडी में जाए, फिर एक चीज और होती है स्टार्टिंग में, रजिस्ट्रेशन कराना, फिर एक काउंटर से दूसरे काउंटर जाना, दूसरे से तीसरे काउंटर जाना, ये जो एक सिस्टम होता है वो कहीं ना कहीं पजल कर देता है आम लोगों को। देखिए, हमने आपको बताया ना, हमने क्यू फ्री सिस्टम कर दिया है, आप सिर्फ आके अपनी कुर्सी ग्रहण कर लीजिए। आप हमारे अतिथि देव भव के कॉन्सेप्ट में हम काम कर रहे हैं, आप आइए अतिथि के रूप में, आप बैठिए, हम बाकी आपकी सेवा करेंगे, ये इस कॉन्सेप्ट में हम काम कर रहे हैं। अगर अतिथि देव भव की कॉन्सेप्ट है तो निश्चित तौर पर ये कॉन्सेप्ट, मुझे लगता है कि पूरे भारत में इस कॉन्सेप्ट में कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं होगा, क्योंकि सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, और इसमें जिस तरह से तमाम इक्विपमेंट, गजट की जो बात हो रही है ज्ञानेश्वर जी, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि आम लोगों को भी ये सोच कर यहाँ पे आना चाहिए कि वो अपनों का बेहतर इलाज करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। निश्चित रूप से लोगों को थोड़ा सा अवेयरनेस करने की जरूरत है, लोगों को बताने की जरूरत है, प्रचार के माध्यम से, होर्डिंग्स के माध्यम से, चूंकि लोगों को स्वतंत्रता फील हो सके, लोगों को एक झिझक जो होती है अंदर में कि प्राइवेट में जाने के बाद बहुत लंबा चौड़ा बिल आता है, तो उनके अंदर में ये चीज आनी चाहिए जहन में कि ये गवर्नमेंट अब छत्तीसगढ़ की योजना है, और खासतौर से माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री साहब की महत्वाकांक्षा योजना है, उसका लाभ यहाँ की जनता को, प्रदेश के जो भी मरीज है उनको मिले, उसका थोड़ा सा अवेयरनेस, थोड़ा सा प्रचार प्रसार करने की जरूरत है अपने वो पड़ेगी। नेचर से कुछ आपने यहाँ पे दो चार के, मतलब नेचर को काफी नजदीक भी रखा है, कुछ इसकी छत पे भी पौधों की बात आ रही थी, क्योंकि उसको हटाने की जब बात आई तो नहीं, यह कहा गया कि नहीं इसको हटाएंगे नहीं, और इसको आपने कुछ अलग तरीके से इसको डेवलप किया है, वो भी हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। देखिए, हमको एक वेटिंग एरिया बनाने की इच्छा बहुत जरूरी पड़ रही थी, क्योंकि 200-400 मरीजों का, 500 मरीजों का ओपीडी बहुत बड़ा ओपीडी होता है, तो हमारे पास वो जगह नहीं थी पुरानी डीके में, तो हमको एक हॉल बनाने की जरूरत थी। चूंकि 3-4 पेड़ वहां पर थे, इतने लंबे पेड़ थे जो पूरी बिल्डिंग को कवर कर रहे थे, उसको हमारी इच्छा भी नहीं थी कि उसको काटें भी, साथ साथ में बिल्डिंग भी बनाना जरूरी थी, तो हमने इंस्ट्रक्शन ऐसा दिया कि आप पेड़ को रहने दीजिए, बाकी जितनी बिल्डिंग बनती बनाइए, उसको ध्यान में रखते हुए हमने पेड़ों को बचाया। और आज आपको बताने बहुत हमको खुशी होती है कि हम जब छत पे जाते हैं तो उनकी जो हरी हरी टहलियां रहती है उनको देख के बहुत खुश महसूस होता है, ऐसा लगता है हम जमीन पे खड़े हुए हैं। इस कलर कॉम्बिनेशन को समझे, हॉस्पिटल के कलर कॉम्बिनेशन को, ये क्या, किस तरह कॉम्बिनेशन, क्या इसके पीछे भी किसी कॉन्सेप्ट को रखा गया है? कलर कॉम्बिनेशन हमने ब्लू दिया था, बस एक आर्किटेक्ट से चर्चा किया, चर्चा करके मल्टीपल डिजाइन फाइनल, मेडिकल का कलर ही होता है इसलिए, हाँ ये मान लें मेडिकल कलर और व्हाइट का कॉम्बिनेशन लेते हुए हमने सामने वर्टिकल गार्डन भी लगाया हुआ है, जिससे पूरा ग्रीन लगे हॉस्पिटल। अब ग्रीन जोन तो बनाने में बहुत दिक्कत जाती है, पर हमने कोशिश किया कि ग्रीन जोन एरिया को बना के डेवलप करें। हमारे पास पीछे 80,000 स्क्वायर फीट एरिया है जहां हम गार्डन बना रहे हैं, गार्डन को भी हमने 4 एरिया में डिवाइड किया हुआ है, मरीजों के लिए अलग गार्डन बनाया हुआ है, जिसमें एक हमने सपोर्ट करने के लिए हमने सपोर्टर लगाए हुए हैं, साथ में अगर कोई पेशेंट व्हील चेयर पे जाता है तो व्हील चेयर को लॉक करने के लिए व्यवस्था की गई है,
उसके साथ में बच्चों को खेलने के लिए गार्डन बनाया हुआ है। आज के जमाने में बच्चे लोग लैपटॉप और कंप्यूटर में बहुत खेलते हैं, वो सिस्टम जो पुराने चलते थे पिट्टूल खेलना अंटियां खेलना वो सब भूल गए। उसके हमने छोटे छोटे सिस्टम बनाए हुए हैं बाहर, जिससे लोग जाके वहाँ कम से कम खेलें तो पुरानी चीजें याद करें। उसके अलावा हमने बुजुर्गों के लिए बैठने की अलग से व्यवस्था की है, वहाँ पर कुछ भगवान जी की मूर्तियां लगाई हैं, वहाँ पर कुछ हल्के से म्यूजिक चलते रहेंगे जहाँ बुजुर्ग लोग अपना आके टाइम पास कर सकते हैं। इसमें क्योंकि DKS हॉस्पिटल ऐसी जगह पर है जो शहर का सबसे व्यस्तम मार्ग है, सबसे अधिक ट्रैफिक वहीं पे रहती है, और वहाँ पे अगर रोड की कनेक्टिविटी देखी जाए तो तमाम शहरों को भी जोड़ता है। एक पार्किंग की समस्या तो रहेगी, ट्रैफिक की समस्या तो रहेगी। हमारे पास 13.8 एकड़ जमीन है और उसमें कम से कम 4 से 5 एकड़ जमीन खाली पड़ी हुई है, तो वहाँ पार्किंग की तकलीफ मुझे तो नहीं लगता आज की डेट में दिक्कत आएगी। अगर कोई तकलीफ आएगी तो एरिया हमारा BRTS का भी जो है बस सेवा वो भी आपसे लगा हुआ है, एक ये बहुत बड़ी उपलब्धि मिल जाएगी। लेकिन कनेक्टिविटी जो है पीछे साइड से भी, मंत्रालय के जो पीछे साइड भी है वो सड़क भी उतनी चौड़ी नहीं है, और कुछ इधर से और पीछे के मार्ग को भी जोड़ने की कोशिश हो रही थी। देखिए हमारे पास कम से कम 3 एंट्री हैं सामने से और 2 एंट्री पीछे की तरफ से हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई तकलीफ आई है। कोई तकलीफ आएगी तो उसको रास्ता निकाल के सॉल्व कर लिया जाए। देखिए छत्तीसगढ़ ने जिन ऊंचाइयों को छुआ है उसमें उस भवन का बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसको आप भी मानेंगे, ज्ञानेश्वर जी भी मानेंगे। और उसी भवन से एक ऐसे हॉस्पिटल की कल्पना की जा रही है जो अपने आप में प्राइवेट हॉस्पिटल को चुनौती देगी। क्या लगता है कि स्वास्थ्य सुविधाओं में एक बहुत बड़ी छलांग आप लगाएंगे एक नई सोच के साथ? देखिए सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट एक अपने आप में डेवलप करने में एक बहुत बड़ी मेहनत लगती है, उसके साथ साथ में चूंकि हमारे को सब जगह सपोर्ट अच्छा मिला है तो हमें पूरी उम्मीद है कि हम बहुत आगे जाएंगे ट्रीटमेंट के मैटर पे। और इसमें ट्रीटमेंट के साथ ही मेरे जहन में एक सवाल ये भी आ रहा था कि उस हॉस्पिटल के बारे में जिस तरह से कहा जा रहा था कि जैसे मरीज अगर पथरी का ऑपरेशन अगर करा रहा है तो उसको दिखता है उसके मॉनिटर पे, तो आपसे एक बार चर्चा हुई थी, आप बता रहे थे कि बाहर जो उनके जो परिजन भी बैठे रहेंगे वो भी तमाम डेवलपमेंट को देख सकते हैं। देखिए हमने एक व्यवस्था करने की कोशिश की है कि अगर हम सपोज लिथोट्रिप्सी कराने जाते हैं, अगर हमारे किडनी में स्टोन है लिथोट्रिप्सी कराने जाते हैं तो लिथोट्रिप्सी होता क्या है? जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो समझ जाते हैं लिथोट्रिप्सी होता क्या है, बाकी सबका क्या, मेरे सितारों का क्या, जो नॉन मेडिकल फैमिली मेंबर है उनका क्या? तो हमने एक व्यवस्था की है जिसमें टीवी में लिथोट्रिप्सी प्रोसीजर होता कैसा है वो 24/7 चलता रहेगा। तो आप जरूरी नहीं है कि जब लिथोट्रिप्सी कराने जाएं तभी देखने जाएं, आप कभी भी जाके देख सकते हैं कि कैसे हो रहा है, ऐसी व्यवस्था की है। तो जैसे लिथोट्रिप्सी में किया है हमने, डायलिसिस में किया कि डायलिसिस होता कैसे है, सीटी स्कैन कैसे होता है, MRI कैसे होता है, ये सब चीजों की व्यवस्था की है। एंजियोग्राफी कैसे होता है वो हमारी टीवी में 32 इंच की स्क्रीन में वो चलता रहता है, कभी भी आप जाके देख लीजिए, तो आपके मन में जो भी क्वेश्चन है डाउट है डॉक्टर से पूछ के आप तसल्ली फ्री हो सकते हैं। चार्जेस क्या रहेंगे कुछ इसके बारे में भी सोचा गया? देखिए BPL के लिए तो हमेशा सरकारी हॉस्पिटल में व्यवस्था फ्री रहती है, और सरकार की जो आपकी स्कीम अभी आ रही है आयुष्मान स्कीम उसमें 5 लाख तक का पूरा कवरेज है, तो मुझे उम्मीद है कि हमको कहीं किसी रूप में किसी से पैसे लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसमें एक बात मैं समझ, जो MRI की चार्जेज होते हैं, जो CT स्कैन के चार्जेज होते हैं काफी हैवी होते हैं, क्या इस हॉस्पिटल में चार्जर पर विशेष ध्यान दिया गया? ठीक है आप BPL के लिए तो करेंगे लेकिन BPL के ऊपर वालों के लिए? ये सब मैं आपको बता दूं 50% से नीचे रेट में ट्रीटमेंट होगा यहाँ पर। अगर कभी पैसा किसी को लगता भी है तो उनको 50% CT स्कैन अगर आप कराने बाहर जाएंगे तो 2000 रुपए से कम नहीं लगता, यहाँ तो आपको 900 रुपए में हो जाएगा। MRI कराने जाते हैं 5,500 रुपए लगता है, यहाँ आपका 2200 रुपए में हो जाएगा। तो मोर देन 50% नीचे रेट में ट्रीटमेंट होगा, पैथोलॉजी की जांच में भी 50% नीचे ट्रीटमेंट में जांच होगी आपको। मुझे नहीं लगता कि कहीं भी आपको ज्यादा पैसा देने, मेरे ख्याल से 50% नीचे ट्रीटमेंट में सब जगह जांच हो जाएगी। इसमें जिस तरह से ज्ञानेश्वर जी अभी हाल के दिनों में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जो निजीकरण की जो बातें हुई, कुछ हॉस्पिटलों को निजी किया भी गया, कुछ हॉस्पिटलों को दिया गया निजी हाथों में, ऐसे में सरकार को सोचना चाहिए कि इस तरह के हॉस्पिटलों को हर संभाग में लाया जाए? नहीं, निश्चित रूप से जो सरकार का ये प्रयास है डॉक्टर साहब के माध्यम से, आपका जो आपके अनुभव का जो लाभ शासन को मिल रहा है लिया और शासन के द्वारा लिया जा रहा है, निश्चित रूप से इस टाइप की योजना का पहल जो है राज्य के हर संभाग में होना चाहिए। खासकर दूरांचल के जो क्षेत्र हैं, जो यहाँ से काफी 300-400 किलोमीटर के जो दूर के एरिया है उससे लगा हुआ जो संभाग है वहाँ के क्षेत्रों में भी जो है इस टाइप की सुविधाओं का जो है पहल किया जाना चाहिए। एक बात मेरे जहन में रही जब इस हॉस्पिटल की परिकल्पना और इस हॉस्पिटल की जो सोच को मैं जब जाना समझा, कहा जा रहा था कि एयर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की जाएगी,
लेकिन बिल्डिंग शायद उस तरह से डेवलप नहीं हो पाई, चाहे उस बिल्डिंग की उस तरह की क्षमता नहीं है, क्या इस तरह भी आपने कुछ सोच को डेवलप किया है? देखिए क्या है, व्यवस्था का प्लान था, क्योंकि हमको कुछ चीजें फेज मैनर में करनी पड़ती है, तो हमारी प्राथमिकता पहले ये थी कि पहले हॉस्पिटल खुल जाए, सुचारू रूप से चालू हो जाए, फिर हम एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था करेंगे। हमारे पास आज की डेट में जो एम्बुलेंसेज हैं, बता दूं इंडिया में कुछ ऐसी अद्भुत एम्बुलेंसेज हमारे पास हैं जिसमें कैमरे लगे हुए हैं, हम इमरजेंसी डिपार्टमेंट में बैठ के मरीज जो शिफ्ट हो रहा है उसको कैमरे में बैठ के अपने स्क्रीन में देख सकते हैं उसकी कंडीशन कैसी है, नंबर वन। नंबर टू, एक ही एम्बुलेंस में दो मरीजों को शिफ्ट किया जा सकता है, ये कुछ ऐसी अद्भुत व्यवस्था हमने एम्बुलेंस में की हुई है जो हमारे पास है, और आपको बताने में बड़ी खुशी हो रही है, हमने कम से कम 200 से लेकर 300 मरीजों को डेंगू का अभी जो प्रकोप चल रहा था दुर्ग में, उसमें हमारी एम्बुलेंस से मदद की है। ठीक है, आपका हॉस्पिटल और जिस हॉस्पिटल में शासकीय करण और शासकीय सोच के साथ आगे बढ़ेगा, लेकिन इसमें एक बात मैं समझना चाहूंगा कि रोग हो ही ना निरोग है, इसके लिए भी हॉस्पिटल में कुछ है क्या, योग की तरह कुछ चीजें जिससे लोगों को समझाया जा सके कि आप अपने डेली रूटीन में किस तरह से फिट रह सकते? देखिए हमने अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए हमने सेमिनार हॉल बनाए हुए हैं, और ये हमारे यहाँ कुछ ना कुछ कार्यक्रम प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में ट्रीटमेंट के संबंध चलते रहेंगे। इस हॉस्पिटल के बारे में कुछ आप फाइनल कमेंट्स करना चाहे, कुछ बताना चाहे जो छूट गया हो हमारी बातचीत में? नहीं, आपने लगभग सब एरिया कवर कर लिया है, कोई चीज नहीं छूटी है, बस आपको एक ही चीज बताऊंगा, हमने छत का भी इस्तेमाल अच्छे से किया हुआ है, ऐसे पहले नंबर पे हमने जो आईसीयू के मरीजों को रिश्तेदारों को रहने की व्यवस्था छत पे की हुई है, खाने की व्यवस्था छत पे की हुई है, हमने एक हॉल बनाया है जिसमें 500 लोगों की कैपेसिटी का सेमिनार हो सकता है, 500 लोगों का एग्जामिनेशन भी कंडक्ट किया जा सकता है, तो ये कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो हमने छत का भी उपयोग करके उसको यूज करने की कोशिश की है। मतलब एक माइल स्टोन रहेगा छत्तीसगढ़ के लिए ये हॉस्पिटल। हम यहाँ पे डॉक्टर पुनीत गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, साथ ही ज्ञानेश्वर सिंह का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे जो इस खास परिचर्चा में शामिल हुए। बैक टू स्टूडियो।